बल के घंटा ले लीजिए ना। महाराष्ट्र के अमरावती से भाजपा सांसद नवनीत कौर राणा ने बुधवार को AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन पर बयान दिया। नवनीत राणा ने कहा कि अगर हैदराबाद में 15 सेकंड के लिए पुलिस हटी तो पता नहीं चलेगा कि दोनों भाई कहां गए। जो छोटा भाई बड़ा भाई है, छोटा और बड़ा, छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। राणा का यह बयान अकबरुद्दीन की 2013 में दी गई स्पीच का जवाब माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दी जाए तो हम 25 करोड़ 100 करोड़ हिंदुओं को खत्म कर देंगे। नवनीत राणा बुधवार को हैदराबाद में भाजपा उम्मीदवार माधवी लता के लिए प्रचार करने गई थी। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मोदी नवनीत राणा को 15 सेकंड दे दीजिए, आप क्या करेंगे? आप उन्हें 1 घंटा दे दीजिए, हम भी देखना चाहते हैं कि आप में जरा सी भी इंसानियत बची है या नहीं, डरता कौन है? हम तैयार हैं, अगर कोई खुली चुनौती देता है तो फिर हो जाने दीजिए। प्रधानमंत्री आपका है, संघ आपका है, सब कुछ आपका है, आपको रोक कौन रहा है? हमें बताइए कहाँ आना है, हम आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी को मैं बोल रहा हूँ कि 15 सेकंड दे दीजिए आप, बिल्कुल 15 सेकंड दे दीजिए। आप क्या करेंगे? अखलाक का हाल करेंगे जैसा मुख्तार को किया वही करेंगे, या पीलू खान या फिर अपने रकबर, बिल्कुल आप दे दीजिए। मोदी जी के पास अख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड, 15 सेकंड ने बल्कि 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है, करिए। कौन डर रहा है, कौन डर रहा है? मैं हम तो तैयार हैं, आप कोई ओपन कॉल कर रहा है सब चीज़ों का तो ठीक है, करिए आप, कौन रोक रहा है आपको? दिल्ली में प्रधानमंत्री आपका, RSS आपकी, सब चीज़ आपका है, करिए, कौन रोक रहा है आपको? बोलते क्यों है, करिए ना, बल्कि हमको बता दीजिए कहाँ पे आना हम आ जाते हैं, करिए। तो ऐसा है ना कि 2014 में नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान से अचानक नवाज शरीफ घर में लाइट देखे उतर गए, बिन बुलाए मेहमान बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना पहुंच गए, तो वो क्या था फिर? वो क्या था? इनको जितने मुसलमान नजर आते हैं भारत में 17 करोड़, इनको यही लगता है कि ये पाकिस्तानी है। तो यही RSS की आइडियोलॉजी को हमको हराना है, और इनसे इनको नफरत है, इन लोगों को भारत की प्लोरलिज्म से, डाइवर्सिटी से। और जो बात प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि मुसलमान घुसपैठी है, मुस्लिम महिलाएं ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, और हिंदू महिलाओं के गले से मंगलसूत्र छीन कर उनको दिया जाएगा, ये जिहादी है, तो यही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो वो उनको शायद मालूम रहते हुए भी अगर अंधे बन रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता, कोर्ट से बात तय हो चुकी है। हम तो कह रहे हैं कि आप करिए ना, बोलते क्यों हैं? हम यहीं बैठे हैं, यहीं खड़े हैं, करिए। नहीं, हम बोल रहे हैं करिए, आपको करके दिखाना पड़ेगा। चलिए मोदी जी को बोलिए कि उनको 15 नहीं बल्कि 15 घंटे उनको मिल जाए, चलिए करिए, करके बताइए, देखते हैं क्या होता है। अपनी सीट बचाओ बोलिए, शेर है, शेर शेर ही होता, शेर जहाँ भी जाओ शेर होता है। पहले भी नवनीत राणा ने ऐसे बयान दिए। भाजपा ने लोकसभा चुनाव में नवनीत राणा को अमरावती से उम्मीदवार बनाने के साथ गुजरात में स्टार प्रचारक भी बनाया है। नवनीत ने 5 मई को गुजरात में प्रचार के दौरान कहा कि जिसे जय श्री राम नहीं कहना है वो पाकिस्तान जा सकता है, ये हिंदुस्तान है, अगर हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम ही कहना है। 15 अप्रैल को नवनीत राणा ने अमरावती में एक रैली में कहा कि देश में कोई मोदी लहर नहीं है, 2019 में PM मोदी की हवा थी, तब मैं निर्दलीय चुनाव लड़कर भी जीती थी, इसलिए चुनाव को हल्के में नहीं लेना है, PM मोदी की हवा है, इस भ्रम में कोई ना रहे। इस बयान के बाद विपक्ष ने कहा, नवनीत राणा ने जो कहा सच कहा, देश में कोई मोदी लहर नहीं है। हालांकि बाद में नवनीत राणा ने अपनी सफाई में कहा कि मोदी लहर थी, है और रहेगी,
हम इस बार 400 से ज़्यादा का लक्ष्य हासिल करेंगे। अप्रैल 2022 में नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा ने उद्धव ठाकरे की निजी आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था। इस घोषणा के बाद शिवसेना के हजारों कार्यकर्ता मातोश्री के बाहर जमा हो गए थे। उन्होंने राणा दंपत्ति पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया था। इसके बाद नवनीत राणा और उनके पति के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज किया गया। कोर्ट ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा था, हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी। 2013 में अकबरुद्दीन ने कहा था 100 करोड़ हिंदुओं को खत्म कर देंगे। AIMIM विधायक अकबरुद्दीन ने 2013 में 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने वाला बयान दिया था। उन्होंने कहा था अगर 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दी जाए तो हम 25 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं को खत्म कर देंगे। दुनिया उसी से उसी को डराती है जो डरता है। दुनिया उसी से डरती है जो डराना जानता है। वह RSS हमसे मुसलमानों से घृणा करते हैं क्योंकि वह 15 मिनट भी हमारा सामना नहीं कर सकते हैं। हैदराबाद सीट पर 1984 से ओवैसी परिवार का कब्जा। हैदराबाद में 13 मई को चौथे फेज में वोटिंग होगी। यहां से भाजपा ने माधवी लता को असुद्दीन ओवैसी के खिलाफ उतारा है। भाजपा ने पहली बार हैदराबाद सीट से किसी महिला उम्मीदवार को टिकट दिया। हैदराबाद लोकसभा सीट 1984 से ओवैसी के परिवार के पास है। असुद्दीन यहां से 4 बार से सांसद हैं। उन्होंने 2004, 2009, 2014 और 2019 में लगातार जीत दर्ज की है। उनसे पहले उनके पिता सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी 1984 से लगातार यहां के सांसद रहे हैं। हैदराबाद क्षेत्र में 7 विधानसभा सीटें हैं। AIMIM के पास गोशा महल को छोड़कर सभी 6 सीटों पर कब्जा है। इसमें बहादुरपुरा, चंद्रयान गुट्टा, चार मीनार, गोशा महल, कारवां, मलकपेट और याकतपुरा शामिल है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, AP कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।